कितने सब्सक्राइबर 26 साल चले अल्लाह के 26 लाख हो गए हैं कि बीच से गुजर जाए। अच्छा ये यंग बंदे का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, एक पूरी एक्टिविटी में रहते हैं। हाँ, बंदा ये कि एज जो है इट इज जस्ट अ नंबर से मिलने के लिए। यस आई एम एक्साइटेड। तो आप कैसा फील कर रही हैं बीच में मौजूद है आर्ट काउंसिल में? मेरे साथ बड़े प्यारे भाई मौजूद है, मेरी लाइन भाई आप देख रहे होंगे लाइन में। अपना कलीदी किरदार अदा करूंगा कि मैं ईमानदारी के मैं मुंसिफाना और गैर अहलियत शफाफियत और कौम की खिदमत और कौम की खिदमत के लिए अपना वक्त और तमन्नाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मौजूद हूँ आज आर्ट काउंसिल में और यहाँ बड़ा अच्छा एक इवेंट होने जा रहा है जिसमें हमारे VLG की मेंबर्स और मैनेजमेंट टीम के कुछ लोग अपना औद सरमनी करेंगे और जिसकी सदारत करेंगे मोहम्मद इब्राहिम मुराद राज साहब जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट के, मिनरल एंड माइंस के। अभी ये मौजूद है आर्ट्स काउंसिल में और ये आप देख रहे हैं मनाजिर बड़े पुराने और ऐसे लोगों के लगे हुए जो इस मुल्क के हीरे थे। तो बढ़ते आगे देखते हैं हमारे साथ कौन है। और प्रोविंशियल मिनिस्टर जो है वो मादनियात के ट्रांसपोर्ट के और लाइफ स्टॉक के यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं और तमाम वॉलंटियर्स को जो यहाँ के रावलपिंडी के एरिया के मेम्बर्स हैं उनको उनकी हलफबरदारी की तकरीब होगी ताकि वो अपने माशरे के लिए अपने इलाके के लिए अपने जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके बेहतरी के लिए काम कर सकें। और प्रॉपर नाजरीन आप देख रहे हैं कि वॉलंटियर VLG जो ग्रुप है उनकी तैयारियां मुकम्मल हुआ और मैं आपको एंट्रेंस के मराहिल दिखा रहा हूँ। यहाँ से लोग एंटर होंगे और यहाँ से जो हमारे मिनिस्टर हैं जिनकी खुशी वो शिरकत है वो यहाँ से आएंगे और अपनी चीज़ें सारी देखेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट आपके सामने अभी जारी है और ये सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगा और पब्लिक का जो व्यू है पब्लिक का जो सेशन होगा वो इस तरह व्यू आपके सामने नजर आएगा। इसमें आपको बताता चलूं कि वॉलंटियर्स की जो रो है वो राइट लेफ्ट पे ही होगी। इमरान साहिर खान है और मैं रावलपिंडी मैनेजमेंट कमेटी जो अभी बनी है केयर टेकर जो मिनिस्टर साहब हैं इब्राहिम मुराद साहब वो अभी आ रहे हैं रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में। तो यहाँ पे अब एक ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी और जो उन्होंने एक वॉलंटियर्स की एक तहरीक शुरू की है पाकिस्तान के लिए वो यहाँ पे इंशाल्लाह उनकी इनॉग्रेशन होगी और सबसे जो है वो जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनसे वो हलफ लेंगे। और आई एम वन ऑफ द लीडिंग पार्ट इन दिस वॉलंटियर लीडिंग गवर्नेंस जिसकी तकरीबी हलफदारी बहुत ही जल्द यहाँ पर 5:30 बजे इनकाद होने जा रहा है और हमारे साथ बहुत से और मेहमान मौजूद हैं जो कि आप देख सकते हैं इस जो मसरूफियात में अमल में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर बेसिकली लोगों की वेलकम किया जा रहा है और फिर उनको इनिशिएट किया जा रहा है कि वो किसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से हैं या किसी NGO से हैं। मेरे साथ VLG की टीम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, अपनी डेजिग्नेशन के बारे में बताएं अभी आप क्या तैयारी में हैं? ठीक है आप रेडी हैं मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए? Yes, I am excited. तो आप कैसा फील कर रही हैं अभी तैयारी इंतजाम देख के? अच्छे हैं मौजूद है मेरी लाइन पे ये आप देख रहे होंगे लाइन में इसलिए नहीं खड़े गए शायद यहाँ पे कुछ चावल वगैरह बढ़ रहे नहीं ये अपनी ड्यूटी के लिए खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। गुड नेम आप? मोइस खालिद। मोइस खालिद हमारे साथ मौजूद है जो VLG के मेंबर हैं और बताएं क्या आपके पास ड्यूटी है? मैं एक टास्क मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज का मेंबर हूँ। ठीक है और यहाँ पे हम लोग जमा हुए हैं ताकि एंगेजमेंट हो। सर इब्राहिम मुराद साहब आ रहे हैं और उनसे मुलाकात उनसे मिलने के लिए आप में थोड़ी तड़प है बिल्कुल ऐसे वो नजर आ रही है जी आप देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। गुड नेम? मलिक वकार आजम। मलिक वकार आजम साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब जितने आप हाइटेड हैं मुझे लगता है कि आप तो चिड़िया भी पकड़ लेते होंगे उड़ती हुई। अच्छा ये बताया कि अभी आपके पास क्या ड्यूटी है? बेसिकली मैं तो टास्क मैनेजमेंट कमेटी से हूँ। अच्छा। और अभी यह है कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो आ रहे हैं और उनको हमने यानी कि तैयारियाँ आपकी जबरदस्त हैं। जी बिल्कुल आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड नेम? मलिक फरहान। मलिक फरहान साहब हमारे साथ शहजादे भाई मौजूद हैं। सर आप पहले दे बताएं आपके पास ड्यूटी क्या है और आप कैसे टीम को मैनेज कर रहे हैं? जनशक्ति ऐसा वॉलंटियर एंगेजमेंट कमेटी तो वो इसमें यह कि हमारा ये फर्स्ट इंट्रक्शन है यहाँ पे तो आज आउट टेकिंग सेरेमनी भी है तो उसमें यह है कि हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं और माशाल्लाह बहुत जो है ना एनर्जेटिक तैयारी सही जबरदस्त है एनर्जेटिक और एंगेज्ड
टीम है। ठीक है, आप थोड़े थोड़े थके लग रहे हैं शायद, मुझे लगता है जनरल सेक्रेटरी। माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी, तो तैयारी ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। टीम शीम आपकी रेडी है? टीम वगैरह रेडी है। देखते हैं हमारे साथ आखिर भाई को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड नेम आपका? मलिक फैजान। शुक्र है, मैं ठीक हूं, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तैयारी ठीक चल रही है आपकी? इंशाल्लाह ठीक। आप अभी क्या ड्यूटी दे रहे हैं, रिसेप्शन वगैरह देख रहे हैं? यस सर। चलिए रिसेप्शन। وسلم عليك يا حبيب الله زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا Oh,
तब जो है वो बेहतरी की तरफ कोई भी काम जाता है। मैं इस मौके पर मिनिस्टर साहब का जो काम है वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, और उससे पहले ये बात करना चाहता हूँ, उन्होंने ये विजन दिया कि हमारे मुल्क को तीन शोबे इस इकोनॉमिक बदहाली से, डिस्ट्रेस से निकाल सकते हैं। उनमें से एक एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक है, दूसरा माइंस एंड मिनरल्स है, और तीसरा आईटी है। अगर हम इन तीन शोबों पे फोकस करें तो आप यकीन करें हम दुनिया की अजीम तरीन कौमों में शामिल हो सकते हैं। कि मैं इमरान माशरे की बेहतरी के लिए अपने तमाम कोशिशें वक्फ करूंगा। समाज सूबे और आवाम को खिदमात की फरहमी के लिए अमल को बेहतर बनाने में खलूस दिल से अपना कलीदी किरदार अदा करूंगा। मैं ईमानदारी, मुनसिफाना, बगैर अहलियत, शफाफियत और कौम की खिदमत के इकदार को बरकरार रखते हुए। सर माशाल्लाह आपका तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये बताएं कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव ये कैसे आपके जहन में आया, किसको आपने आइडिया रखी है, स्टेप उठाया वीएलजी का? देखें, जो पाकिस्तान की यूथ है ये सबके लिए आइडियल है, और इसके अंदर जो पैशन है, इसके अंदर जो डेडिकेशन है, और इसके अंदर जो एनर्जी है, ये दुनिया की किसी यूथ में नहीं है। हमें ये था कि इनको हम इन्वॉल्व करें, इनको गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएं, इनकी एडवाइस लें और इनकी सजेशंस पे आगे जो है हुकूमत काम करे, जिधर फोकस करना चाहिए, और नौजवान जो है इनकी जो ज़रूरियात हैं ये पूरी होनी चाहिए। वैसे सर आप उन मिनिस्टर से बिल्कुल हटके, एक तो अब यंग बहुत ज़्यादा है जैसे हमने सुना, दूसरे जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, आप उनके साथ कैसे अपने आप को छुपा छुपा के या एकदम ही तेजी से गुजरते हैं, ये थोड़ा सा इंडवे बताया था कि हम भी आगे कुछ पर गड़बड़ कोशिश करते हैं कि बीच से गुजरते हैं। ये यंग बंदे का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, एक पूरी एक्टिविटी में रहते हैं। हाँ, बंदा ये कि एज जो है इट इज जस्ट अ नंबर, लोग 70 साल की उम्र में भी बेपनाह मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। ये कि अगर आपकी मेहनत करने की आदत हो और बड़े बड़े ख्वाब देखें तो कहीं ना कहीं आप पहुँच ही जाएंगे सर। वेरी